तुम्हारी की बेटी के साथ बहुत गलत काम हुआ है, रेप करके बहुत गलत। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। राजधानी पटना में मूक बधिरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। आए दिन रेप, लूट, हत्या जैसी वारदात देखने को मिल रही है, सामने आ रही है ऐसी खबरें। इस बीच आज राजधानी पटना में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है मूक बधिरों के द्वारा। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों मधुबनी जिले में एक लड़की के साथ रेप किया गया, फिर उसकी आंखें फोड़ दी गई। वो लड़की बोल नहीं सकती थी, वो मूक बधिर थी। अपराधियों के द्वारा उसके साथ रेप किया गया और रेप करने के बाद उस लड़की का आंख फोड़ दिया गया, जिसके बाद आज राजधानी पटना में लड़की के लिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। एक छोटी सी बच्ची नीतीश कुमार से सवाल करती हुई नजर आ रही है, अब तस्वीरों में देख सकते हैं, और सरकार से उस लड़की के लिए इंसाफ मांगी जा रही है। और मैं इस संस्था में, मेरे पापा इस संस्था से जुड़े हुए हैं और आज हम लोगों ने ये रैली निकाला है क्योंकि मधुबनी की बेटी के साथ बहुत गलत काम हुआ है, रेप करके उसका आंख फोड़ दिया गया है, क्योंकि बहुत गलत है हमारे बिहार में। आजकल हर किसी के घर में बहू मिल गया है। कब तक हम असुरक्षित महसूस करेंगे? कब तक माँ को डर रहेगा कि मेरी भी बेटी बाहर है? कब माँ को बेटी को आखिरी बार देखेंगे? ये हमारे समाज में बहुत गलत किया जा रहा है। उस दलितों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और ये चीज होना चाहिए। अब हम क्यों तो पा सकते हैं, इन लोग के पास कैंठ नहीं है, ये लोग अपना दर्द किस तरह बयां कर सकते हैं? वही आज इन लोग का मोर्चा निकला है कि उस दलित को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आप इंटरप्रेटर हैं तो आप बताएं इन लोग का, इन लोग क्या इशारे में बोल रहे हैं? के साथ ये निकलना चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो लोग मधुबनी जाकर के वहाँ पे ऐसा प्रदर्शन करेंगे। मधुबनी की बेटी को इंसाफ दो, तीनों को फांसी की सजा दो, उनके परिवार के लिए कुछ अनुदान की राशि, परिवार को उसके 25 लाख मुआवजा दिया जाए, परिवार को नौकरी किया जाए। जिस माँ ने अपनी बेटी के लिए इतने सपने संजोगे होंगे, वो बेटी आज मरने के कगार पे है, तो क्या सरकार इसका उठाएगी जिम्मा? और सरकार की व्यवस्था के खिलाफ आप लोग कुछ बोल रहे थे? सरकार की व्यवस्था किस खिलाफ होनी चाहिए? कब तक गांव समाज में ना लाइट है, ना वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। वो लड़की जब अपनी जरूरतों का करने के लिए घर से बाहर निकली तो इन दोनों ने उसे आज मना कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? ये कुछ बोलना चाहती क्या? डीफ वुमेन की सदस्य है, लड़की के साथ रेप हुआ देख के इनको बहुत अफसोस हुआ और ये भी यही चाहती है कि रेप हो। सीएम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो इनसे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका थोड़ा आँख खुले। सीएम को बोलो वहाँ पे उनको सजा देने के लिए, इनका यही कहना है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।